हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल, आज नाम आप लोग बता दीजिएगा, उसी के साथ साथ आज का हमारा लेक्चर कौन सा है भैया? सेक्स डिटरमिनेशन। देखिए सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या है, आप लोग जब अपनी एनसीईआरटी वाली किताब खोलेंगे उसमें प्लियोट्रॉपी नामक टॉपिक लिखा है, प्लियोट्रॉपी के नीचे ही आपका सेक्स डिटरमिनेशन नामक टॉपिक है। तो इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी इसकी शुरू होती है भैया 1891। एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग, क्या नाम था? हैंकिंग। हैंकिंग साहब क्या किए 1891 में, पहली बार पढ़ाई किए, स्टडी किए किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। मतलब देखिए दो चीज से बना है, टर्म क्या लिखा गया है, अगर यही किनारे आपको समझाएं, होता है स्पर्म। स्पर्मेटो मतलब क्या होता है बच्चों? स्पर्मेटो मतलब होता है स्पर्म, और जेनेसिस है एक ग्रीक की भाषा, जहां पे जेनेसिस को हमारे यहाँ का मतलब होगा किसी चीज का बनना, या अंग्रेजी वाले जो लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए है फॉर्मेशन। तो स्पर्म का बनना या स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कहीं भी पूरे बायोलॉजी के इतिहास में जेनेसिस लगेगा तो आप समझ लीजिएगा कुछ बन रहा है। एक बहुत अच्छा इंसेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल वर्कर, मधुमक्खी, हनी बी। उससे आने के पहले इसकी डिफिनेशन सुन लीजिए सेक्स डिटरमिनेशन की क्या होती है। सेक्स डिटरमिनेशन मतलब 1891 में जब हैंकिंग आए, उन्होंने ये पता लगाया कि आखिर माँ के पेट में क्या बदलाव होता है, कि लड़का होगा कि लड़की। उन्होंने डिस्कवर किया एक प्रोसेस जिसको उन्होंने पहुंचाया कहां? डेंस स्ट्रक्चर तक, और डेंस स्ट्रक्चर में ही उनको एक्स बॉडी मिला, बाद में वाई क्रोमोसोम का भी डिस्कवरी हुआ। इस पूरे डिस्कवरी को हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ 4-5 को दिया गया है। ह्यूमन ड्रोसोफिला, कॉकरोच वोकरोच सब छोड़िए बवाल, इसको समझिए। इसमें तो बहुत लोग को दिक्कत है, हनी बी पूरा यूट्यूब भर गया है हनी बी से, एक बार देख लीजिए, गारंटी देते हैं 100% ना क्लियर हुआ मत पढ़िएगा, बात खत्म। देखिए हनी बी क्या है? सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट का क्या मतलब होता है? सोशल इंसेक्ट का मतलब होता है जो हमारे लोगों के समाज में रह के हम लोगों को कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचाए। जैसे मधुमक्खी रहेगी तभी तो उसका मधुमक्खी छत्ते तोड़ ताड़ के हम लोग मधु निकालते हैं, हनी ना, वही तो खाते पीते हैं भैया, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन प्रोटीन का, और क्या। तो सोशल इंसेक्ट कहते हैं हनी बी को, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या चीज? देखिए इसके कुछ टाइप्स हैं, मेल, इसके मेल को मतलब इनके यहाँ जो हनी बी में मधुमक्खी में मेल होते हैं, मर्द होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ड्रोन। क्या कहते हैं? ड्रोन। और जो फीमेल होती है वो दो कैटेगरी में बटी होंगी, एक क्या होगी? क्वीन मतलब रानी फीमेल होगी, और एक फीमेल होगी वर्कर बी मतलब उसकी नौकरानी, रानी की सेवा में नौकरानी रहेगी। तो फीमेल को दो भाग में बांटा गया। अब देखिए, अच्छा पहला कंडीशन क्या है, जो क्वीन है, मतलब क्वीन का मतलब क्या है भैया? क्वीन का मतलब है फीमेल। ड्रोन का मतलब क्या है? ड्रोन का मतलब होता है मेल। ये दोनों आपस में करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वीन हमेशा होती है क्या? डिप्लॉइड, मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम ज्यादा होते हैं। कितने? इसमें 32 क्रोमोजोम होते हैं, और पेयर की बात करें तो 16 पेयर कुल क्रोमोजोम पाए जाते हैं, इतना याद रखिएगा। और मेल क्या है? मेल होता है हैप्लॉइड, मतलब यंग कंडीशन, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 पेयर पाए जाते हैं। 8 पेयर मतलब एक पेयर में दो, तो 8 में कितना? 8 × 2 = 16 क्रोमोजोम। तो मेल हैप्लॉइड, फीमेल डिप्लॉइड। अब देखिए, अब क्या कंडीशन, दोनों रिप्रोडक्शन किए, तो ये सबसे पहले करता है मियोसिस, मतलब रनिया जो है, रानी जो है, वो करेगी मियोसिस। मियोसिस क्या कंडीशन है? एक सेल को 4 सेल में बांटते हैं, क्या होगा? एक सेल को 4 सेल में डिवाइड करेंगे, तो एक सेल में किसी में एक ही होगी अपने एक सेल में, और जबकि तो यहाँ 4 सेल बने। अब देखिए इसके 4 सेल में जो एक सेल है, इन चारों को एक सेल कहेंगे, कोई एक सेल जाएगा कहां? रिप्रोडक्शन में। इधर से जो ड्रोन है वो माइटोसिस करेगा, माइटोसिस में एक सेल जो है हमारा वो 2 सेल बनाता है। ऐसा नॉर्मली समझिए, कोई गारंटेड 11th क्लास का मियोसिस माइटोसिस नहीं बता रहे हैं। तो देखिए इतना समझिए, एक सेल 2 सेल बनाएगा, तो एक यहाँ पे जो मेल वाला था, क्या स्पर्म वाला, वो क्या बनाया? एक सेल से 2 सेल, लेकिन हमको जरूरत कितने की है? एक की ही, ठीक। क्या
लिखने की जरूरत है एक की, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बना, तो ये एक इसमें बना, फिर क्या हुआ इसका स्पर्म बन गया, इसका एक से लग, ये दोनों मिल गए तो बन गया क्या जायगोट। यन यहाँ से मिला, यन यहाँ से मिला, बन गया टू यन। अब देखिए जो ये टू यन है इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की ही है, लड़का नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इसका कंडीशन क्या है, जो जायगोट बना इसमें या तो रानी होगी या तो नौकरानी होगी, वर्कर भी होगी। और फिर लड़का कहां से पैदा होगा भैया मधुमक्खी वाले कंडीशन में, वो यहां से होगा कि जो तीन अंडे अभी इसके बचे थे ये प्रोसेस करेंगे पार्थिनोजेनेसिस का। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, कोई एक सेल है जब ज्यादा बड़ा हो गया तो ये भी डिवाइड करके दो छोटे छोटे सेल बना लेगा, तो डायरेक्ट होता है पार्थिनोजेनेसिस का कंडीशन। डिवीजन तो होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल के एग मिलके जायगोट नहीं बनाएंगे, सीधे फीमेल का एक जो है वो पार्थिनोजेनेसिस करके ड्रोन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कंडीशन है पूरा हनीबी का बवाल, इसके पूरे कंडीशन को एनसीईआरटी कहती है। इसमें हैप्लोडिप्लॉयडी का केस देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा केस है भैया हैप्लोडिप्लॉयडी का। उसके पहले जान लीजिए एक चीज, कह रहा है जो ड्रोन यहाँ पे है मेल वाला, इसके पापा नहीं है, ड्रोन है नो फादर बट है ग्रैंड फादर। ये क्या बवाल है, इसके कोई पापा नहीं है भाई, डायरेक्ट मम्मी से आया है, क्वीन ने ही तो डायरेक्ट मियोसिस किया, इसके एक सेल ने पार्थिनोजेनेसिस किया, इसका जन्म हो गया। लेकिन पापा इसके कहां है, पापा नहीं लेकिन इसके दादाजी थे, दादाजी कहीं थे, क्वीन जो है ये कहां से आ रही है। अगर ये क्वीन ये ड्रोन आपस में रिप्रोडक्शन किया, ये क्वीन ये ड्रोन, तो यहाँ पे देखिए क्वीन आई ना, तो वैसे ही ये जो क्वीन है ये किसी मेल पार्टनर से रिप्रोडक्शन करके आई होगी, तो ये तो डायरेक्ट मम्मी से आई। लेकिन इसकी मम्मी कहां से आई, इसकी मम्मी कहीं ना कहीं किसी मेल से रिप्रोडक्शन करके आई रही होंगी, तो वहां पे इनके पापा जी रहे होंगे। हम मम्मी पापा ज्यादा ना समझिए, मतलब समझ रहे ना, बस वही कंडीशन है। तो पूरा हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, ऐसे ही बहुत बेहतरीन टॉपिक हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं हर एक लेक्चर में। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, हम हैं जवाब देने के लिए। ठीक, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक आध 2000 अपने दोस्त में वीडियो भेज दीजिए, किसी दिन हम भी रात को सोए सुबह उठे तो हम भी देखें, रातों रात वायरल हो गए, ये वाला कंडीशन करवाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।